नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज़ पर टोटके पर। बंधु, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, या फिर आपके पूरे परिवार को परेशान करके रखा हुआ है, या परेशानी जो दी जा रही है वह किसी सदस्य को दी जा रही है आपके परिवार के, तो आप उसके लिए क्या करें, कैसे उस व्यक्ति से छुटकारा पा सकें ताकि आप जो भी आपकी परेशानी है वह दूर हो सके और वह व्यक्ति आपके परिवार से दूर चला जाए, आपसे दूर चला जाए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो आपको या फिर आपके किसी परिवार के सदस्य को या फिर पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो ज़्यादा उन सबके लिए ये उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। तो जो उपाय हम बताएंगे आपको वैसे करना है, बिल्कुल भी आपको इसमें जरा सा भी बदलाव नहीं करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में लिख के पूछेंगे, तो हम बताएंगे कि आप वह परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये उपाय बहुत आसान है, घर में किया जा सकता है और एक दिन का उपाय है। और इसको फिर आप क्या करेंगे, पूरा समझेंगे इस उपाय को आप, कि आखिर ये उपाय करना कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक चाकू की ज़रूरत पड़ेगी और डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कलावा भी कहते हैं, और कागज़ और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। काले रंग की कलम आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसा कि हम बताते हैं, उस व्यक्ति का आपको नाम पता है तो आप उसका नाम लिखेंगे पहले, जो भी नाम है उस व्यक्ति का, का नाम लिख देंगे आप, पूरा नाम लिखना है। तो यदि एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे, दो व्यक्ति हैं तो दो का, जितने भी हैं व्यक्ति उन सबका नाम आप लिखेंगे। नाम लिखने के बाद जो भी आपकी समस्या हो, आपको समस्या दे रहा है, मान लीजिएगा कि वह आपको परेशान कर रहा है, आर्थिक रूप से पैसा आपसे जबरदस्ती उगलवा रहा है, तो आप वे समस्या यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपकी समस्या है आप जितने शब्दों में लिखना चाहें आप लिख देंगे उसी कागज़ पे, जो भी परेशानी आपको वह दे रहा है। सिर्फ परेशानी लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, कि फलाना व्यक्ति, नाम तो आपने लिख दिया है तो आप यानी नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यह व्यक्ति हमको इस तरीके से परेशानियाँ दे रहा है, और परेशानियाँ फिर आप लिख देंगे। परेशानियाँ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, और हाँ, यदि आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता है, जैसे कि अक्सर लोग बार बार बोलते हैं, तो आप उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उसका चित्र बनाएंगे, उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। यदि वह व्यक्ति पुरुष है तो पुरुष कि आप आकृति बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, यदि स्त्री है तो स्त्री की बनाएंगे। ध्यान आपको उसका रखना है कि आप उसके लिए ये उपाय कर रहे हैं और उसी व्यक्ति के लिए का ध्यान रखते हैं आप चित्र बनाएंगे। तो नाम लिख लिया, नाम नहीं है तो चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद समस्या लिखेंगे आप पूरा, कि कैसे कैसे वह व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपको या आपके परिवार को लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर अपना नाम, यदि वह आपको परेशान कर रहा है तो। यदि आपके किसी सदस्य को परेशान कर रहा है परिवार के, तो आप उस सदस्य का नाम लिखेंगे जो आपका परिवार का सदस्य है। यदि पूरे परिवार को परेशान कर रहा है तो आप पूरे परिवार का एक एक करके नाम लिखेंगे, यह आपको करना है। और फिर नाम लिखने के बाद जब आप पूरे परिवार का नाम लिख देंगे, तो बस आप ओम बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा ओम, ये कर दिया है। फिर आखिरी हिस्से में आपको क्या करना है, आखिरी हिस्से में आपको मंत्र लिखना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ओम शालू वैशाय नमः।
ओम शालु वैशाय नमः, जिनको हिंदी नहीं आती है उनके लिए हम इंग्लिश में नीचे लिख देंगे यह मंत्र, तो आप पढ़ लीजिएगा वहां पे। इस मंत्र को अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, चाहे वह उर्दू हो, मराठी हो, पंजाबी हो। यदि आप हिंदी में नहीं लिख पाते हैं तो जिस भी भाषा में आप लिखते हैं, वैसे उच्चारण हमने बता दिया है, ओम शालु वैशाय नमः। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये चार हिस्सों में बांटना है। पहले में आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम, जितने भी व्यक्ति हैं जो शत्रु हैं आपके उनके नाम लिखेंगे, नाम नहीं पता तो उनको ध्यान में रखते हुए चित्र बनाना है। जी हाँ, यदि दो व्यक्ति हैं तो दो का चित्र बनेगा, तीन व्यक्ति हैं तो तीन का चित्र बनेगा। नीचे आप लिखेंगे समस्या कि ये ऊपर जो इसका भी आपने नाम लिखा है कि ये व्यक्ति हमको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। फिर आपको अपना नाम लिखना है, और यदि सदस्य का नाम, यदि सदस्य को परेशान करता है आपके परिवार के सदस्य को, तो उसको सबका नाम लिखेंगे, और सिर्फ ओम लिखना है। और फिर नीचे आपको लिख देना है चौथे हिस्से में, ओम शालु वैशाय नमः। अब इसका आपको क्या करना है, अब ये जो दो दो हिस्से हैं इनको आपको बीच में से फाड़ना है, बीच में से आप इनको फाड़ेंगे। पहले एक ही कागज पे आपको सब लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इससे जो उस व्यक्ति जिसके लिए आपने ये बनाया है उसका अलग हो गया और आपका नाम है वो अलग हो गया है। अब क्या करना है आपको, ये चाकू लेना है आपको, और ये जो है जहाँ पे उसका नाम लिखा है, समस्या लिखी है, उस पे आपको इसको बांध देना है। कलावे से आप चाकू पे बांध देंगे। सात बार आपको इसको लपेटना है, और फिर जब आप इसको सात बार लपेट देंगे, फिर आप इसको सात बार आप देख इसको बांध देने के बाद इसको आप क्या करना है हमें बताएंगे, किस दिन करना है इसका क्या करना है हमें बताएंगे। मगर पहले बता दें कि जैसे कि अक्सर लोग पूछते हैं कि चाकू का रंग कैसे ही होना चाहिए, चाकू का रंग कुछ भी हो सकता है, आपको कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी रंग का चाकू लेना है। ये उपाय आपको करना है, 3 दिन बता रहे हैं, 3 में से किसी भी 1 दिन कर सकते हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार के दिन आपको ये करना है। और फिर जवाब ये लिख देंगे इसके ऊपर, किस समय करना है, रात को 7 बजे से लेके 11:30 के बीच में आपको ये करना है। मान लीजिए आपने 8 बजे ये करा है, ये उपाय बांध दिया है आपने, अब इस चाकू का क्या करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको बाहर जाना पड़ेगा अपने घर से, जहाँ पे भी आप उपाय कर रहे हैं बाहर जाना पड़ेगा, और जमीन खोदनी पड़ेगी कहीं पे भी, सुनसान जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है, सुनसान जगह नहीं भी है तो भी चलेगा, या फिर किसी पेड़ के नीचे, पेड़ याद रखिएगा कि बरगद का पेड़ ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा, वहां पर आप इसको गाड़ कर आ जाएंगे। गाड़ना कैसे है, ऐसे गाड़ना है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे कागज चिपकाया है आपने, चिपकाने का मतलब बांधा है डोरी से, जहां पर इसकी धार होती है वहां पे आपको बांधना है, फिर सीधा दबाना है, टेढ़ा नहीं रखना है, सीधा, यानी कि जहां पर ये नाम लिखा है वह नीचे की तरफ आएगा, और फिर आप उसको ढक देंगे, और ऊपर आप उसके पैर लगाकर आएंगे 5 बार, अपना पैर जहाँ आप दबा देंगे 5 बार आप दबा कर आएंगे अपने पैर से, फिर आप सीधा घर की तरफ आ जाएंगे। और फिर ये जो कागज है जिस पे आपने अपना नाम लिखा है और मंत्र लिखा है, इसको आप अपने पास रखेंगे अगले 7 दिनों तक अपने पास रखेंगे, और जब आप 7 दिन पूरे हो जाएंगे तब आप इस कागज को किसी भी मंदिर के आसपास इसको रख कर आ जाएंगे। जी हाँ, दबाना नहीं है ना इसको जलाना है, आप इसको मोड़ के मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर भी आप जाके इसको रख के आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। यह आप उपाय करके देखिएगा, और किसी भी समय आप जा सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है, 7 दिनों बाद किस समय जाना है, किसी भी समय आप मंदिर में जा सकते हैं। तो बंधुओं, ये उपाय आप करके देखिएगा, इससे काफी लोगों को लाभ मिला है, आप भी इसका लाभ उठा के देखिएगा। यदि कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में लिख के अवश्य पूछिएगा, आपको अवश्य इसका उत्तर दिया जाएगा।
जहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।